नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। यूपी के पूर्व मंत्री और रेप के आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, आज लखनऊ से हुई थी गिरफ्तारी। 16 दिनों से फरार चल रहे थे गायत्री प्रसाद प्रजापति। रेप केस में अब तक 7 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। मणिपुर में बीजेपी को मिला सरकार बनाने का प्रस्ताव। एन बीरेन सिंह होंगे मणिपुर के सीएम। आज दोपहर 1 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अकाली दल पर फोड़ा पंजाब में हार का ठीकरा। नशे के कारोबार समेत नाकामियों के लिए ठहराया जिम्मेदार। कहा, बीजेपी अकेली चुनाव लड़ती तो बन जाती सरकार। दिल्ली नगर निगम में बजा चुनावी बिगुल। 22 अप्रैल को होगी वोटिंग, 25 को नतीजों का ऐलान। केजरीवाल की मांग खारिज, बैलेट पेपर की बजाय ईवीएम का ही होगा इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में 2 आतंकी ढेर, 1 जवान घायल। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। डेरा सच्चा सौदा, बाबा राम रहीम को मिली जान से मारने की धमकी। बब्बर खालसा के नाम से मिली है धमकी। और यूएन में भारत की सदस्यता पर चीन ने फिर डाला अड़ंगा। वीटो पावर की बलि देने के बाद भी चीन झुकने को तैयार नहीं। कहा, पैकेज समाधान के तहत ही सुलझेगा मुद्दा। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।